हेलो गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर आलम और वेलकम करता हूं आपको सोनराज ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक नया धड़कता भड़कता बिल्कुल ब्रांड न्यू शो वॉच टॉक। ब्रांड न्यू नहीं, मैं लेकर आया हूं आपके लिए नॉट सो ब्रांड न्यू शो वॉच टॉक। बेसिकली आज हम जो बात कर रहे हैं वो हॉलीवुड एक्टर्स के बारे में, सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कौन सी घड़ियां पहनते हैं। तो चलिए फिर उस लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं और उन घड़ियों के बारे में बात करते हैं और उन एक्टर्स के बारे में बात करते हैं जिसको किसी ना किसी ने कभी ना कभी किसी ना किसी फिल्म में ज़रूर देखा ही होगा। तो सबसे पहले हमारी लिस्ट में है रायन रेनल्ड्स। रायन रेनल्ड्स का नाम कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता? आप जानते हैं, आपको पता है? अरे अभी जिन्होंने वो फिल्म की थी, कौन सी फिल्म थी यार? अरे वो वाली, अरे नहीं नहीं बताओ ना यार, कौन सी फिल्म थी? हाँ कौन सी? सुपरमैन? नहीं नहीं सुपरमैन नहीं थी। अरे अरे नहीं नहीं स्पाइडर, नहीं यार तुम फिल्म नहीं देखते, तुम लोग मूवीज नहीं देखते क्या? मैं बताता हूँ आपको, आपको हिंट देता हूँ, आपको हिंट देता हूँ। मुझे याद आ रहा, मुझे हट करके याद आ रहा, बिल्कुल फेस कवर्ड, पीछे स्वॉर्ड्स लगी हुई और बड़ी बड़ी आंखें, बहुत ही कॉमिकल किस्म का कैरेक्टर था और अपने आप को रिकवर भी कर ले, मरता नहीं है, ही डजंट डाई एट ऑल। नहीं 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 यार, डेडपूल की बात कर रहा हूँ यार, कम ऑन यार, इतना बेसिक डेडपूल के बारे में बात कर रहा था। तो रायन रेनल्ड्स जब बाहर निकलते हैं, अभी हमने उनको मेट गाला पर जब देखा तो उनकी कलाई पर जो घड़ी थी वो थी ओमेगा की स्पीड मास्टर, जिसको हम मून वॉच भी कहा जा सकता है। 42 mm 18 कैरेट गोल्ड की सेरा गोल्ड और या मून शाइन गोल्ड जिसको ओमेगा कहता है, उस घड़ी को उन्होंने पहना हुआ था। और अगर सेकेंडली देखा जाए उसका ग्रीन डायल था, ग्रीन डायल क्योंकि कहा जाता है कि ग्रीन इज द न्यू ब्लैक। 2022 से हर घड़ी ने, तकरीबन हर घड़ी कह रहा हूँ, हर वॉच ब्रांड ने ग्रीन डायल बनाना शुरू कर दिया क्योंकि दे थॉट के अब जो है ग्रीन इज द न्यू ब्लैक। सेकंड पे है हमारे पास ब्रैड पिट। ब्रैड पिट को कौन नहीं जानता? अरे नहीं एंजेलिना, एंजेलिना, अरे अपना भी काम किया है यार उन्होंने, अच्छे खासे फिल्में बनाई है, मतलब ही इज बिन स्टार इन, अभी इनग्लोरियस बास्टर्ड अभी तो नहीं, बहुत पुरानी है लेकिन, बट ही इज़ अ गुड एक्टर। और उसके अलावा वो हैं ब्रांड एम्बेसडर ब्रैट लिंकन। तो अक्सर औकात जब भी उनको देखा जाता है, मतलब पब्लिक अपीयरेंसेस जब भी करते हैं वो, तो उनके हाथ में या उनकी कलाई में जो भी घड़ी होती है वो हमेशा ब्रैट लिंकन ही होती है। और उसके बाद जो अभी हमने उनको घड़ी पहने हुए देखा, दैट वॉज ब्रेटलिंग B01 क्रोनोग्राफ नॉटन। नॉटन इस वजह से कि नॉटन इज़ अ ब्रिटिश मोटरसाइकिल कंपनी जो कि मोटरसाइकिल ही बनाती है, जाहिर सी बात है तो ब्रश तो बनाएगी नहीं, लेकिन उन्होंने अभी एक वेंचर किया है या उसको सेलिब्रेट करने के लिए अपनी पार्टनरशिप को, दे मेड दिस पर्टिकुलर वॉच जो कि है ब्रेटलिंग B01 क्रोनोग्राफ नॉटन। तो अगर आप देखें उसके जो बैक केस पर, तो वहाँ पर आपको नॉटन का लोगो भी दिखाई देगा, ठीक है जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्रिस हेम्सवर्थ की बात करें अगर हम, तो क्रिस हेम्सवर्थ को कौन नहीं जानता, सभी जानते होंगे यार, थॉर देखी होगी आपने यार, आपने एक्सट्रैक्शन देखी होगी नेटफ्लिक्स पे, मतलब कमान है यार, अगर नहीं जानते तो फिर खैर शक्ल से जानते होंगे, नाम शायद आप लोगों को आज मैं बता रहा हूँ, क्रिस हेम्सवर्थ उन्हें कहा जाता है। तो वो अक्सर औकात देखे जाते हैं, रोलेक्स प्ले डेट नहीं है नाम उसका, रोलेक्स डे डेट नाम है। क्रिस हेम्सवर्थ को अक्सर औकात रोलेक्स की डे डेट प्लैटिनम पहने हुए देखा गया है। अगर हम बात करें 22 82 36 की, तो ये नंबर है जिस पर आप कॉल करके क्रिस हेम्सवर्थ से बात कर सकते हैं। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, ये रेफरेंस नंबर है इस घड़ी का, जस्ट इन केस आपको नाम याद नहीं रहता कि डे डेट रोलेक्स की एक घड़ी थी यार क्रिस हेम्सवर्थ ने पहनी थी, कौन सी की, तो आपको ये नंबर याद रख लेना है 22 82 36 22 82 36। जब आप ये सर्च करेंगे गूगल पर तो ये घड़ी की सारी स्पेसिफिकेशन, सारी पिक्चर, सारे इमेजेस आपके सामने आ जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है हमारे पास, दैट इज कौन है नेक्स्ट हमारे पास, कौन है? कौन? अरे टाइटैनिक, देखो यार लियोनार्डो डिकैप्रियो के बारे में बात करते हैं। लियोनार्डो डिकैप्रियो जो हैं वो एक, मतलब ऑस्कर विनर, सुपरस्टार, सेलिब्रिटी, हॉलीवुड एक्टर हैं, उनके बारे में कौन नहीं जानता? अगर आप नहीं जानते तो टाइटैनिक तो आपको याद होगा, लियोनार्डो डिकैप्रियो को अभी रिसेंटली एक इवेंट पे देखा गया था जहाँ पर उनके रिस्ट पर थी पातेक फिलिप जो कि नॉटलेस 5711 कहलाई जाती है, और इसका जो डायल होता है दैट इज़ आइस ब्लू या फिर टिफनी ब्लू कलर भी उसको कहा जाता है। दैट वाज अ मर्जर बिटवीन टिफनी एंड को और पातेक फिलिप का एक इम्तिजाज था, और फिर उससे उन्होंने जो घड़ी डिज़ाइन की थी दैट वाज दिस पर्टिकुलर ब्रांड। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अब टॉम क्रूज के बारे में।
टॉम क्रूज को कोई नहीं जानता। तो टॉम क्रूज अपनी पर्सनैलिटी को इन्हांस करने के लिए कौन सी घड़ी पहनते हैं? दैट इज वैशरॉन कॉन्स्टेंटाइन। वैशरॉन कॉन्स्टेंटाइन, वैशरॉन कॉन्स्टेंटाइन, यार ये लिख देना है कि मेरे ख्याल से नहीं आप लोगों को समझ आ रही कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो जो घड़ी पहनते हैं दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वॉच, क्योंकि उसके अंदर परपेचुअल कैलेंडर होता है। परपेचुअल कैलेंडर क्या होता है और कॉम्प्लिकेटेड क्यों कहते हैं उसको? मैं मजाक कर रहा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहते। जो घड़ी के अंदर जो भी मैकेनिज्म्स होते हैं ना, जो भी आपके घड़ी में, जिसको हम अगर लेमैन लैंग्वेज में कहें तो दैट विल कॉल्ड फंक्शंस, जो घड़ी के जो फंक्शंस होते हैं उनको हम कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं अपनी ज़बान में, हमारी जो जो हम अक्सर अवकात बिहाइंड द कैमरा ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं उसमें, दैट इज़ कॉल्ड परपेचुअल कैलेंडर। क्यों? क्योंकि अगर एक दफ़ा आपने टाइम सेट कर दिया उस पर, टाइम की बात कर रहा हूँ, अगर एक दफ़ा आपने उस पर डेट सेट कर दी कि आज की 11 तारीख, फरवरी की 11 तारीख 2023, तो वो फिर सारा साल उस कैलेंडर को लेके चलेगा। उसको आप, उसमें आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि आज वो हो, ये तो 28 का महीना है तो ये अभी 30 दिखा रहा है, फरवरी की 30 तो होती नहीं है, लाइक लीप ईयर है या कुछ भी इस तरह का, 30th का मंथ है, 31st का मंथ है, तो वो खुद ही मैनेज कर लेता। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट वॉच उन लोगों के लिए जिनको डेट्स याद नहीं रहती और जिनको ये भी याद नहीं रहता कि यार वो हो डेट सेट कर लूँ मैं। तो ये अल्ट्रा थिन वॉच 18 कैरेट वाइल्ड गोल्ड, वाइट गोल्ड में थी ये घड़ी जो टॉम क्रूज ने पहनी हुई थी। और मैं मिलूंगा ना जिस दिन टॉम क्रूज से, मैं उनसे पूछूंगा कि और भी घड़ियां हैं आपके पास तो दिखाएं ज़रा कभी, बस मिल लें। वो अभी एक्चुअली उसकी शूट चल रही है ना यार, उनकी मिशन इम्पॉसिबल 4 है ना, 4 आ रही है, 5 आ रही है, 4 आ रही है, 5 आ रही है, अरे यार छोड़ो, आप लोगों को तो कुछ भी नहीं पता, मैंने देखा है, आप लोग बिल्कुल नॉट इंटरेस्टेड इन मूवीज एट ऑल। खैर, नेक्स्ट एक्टर के बारे में चलते हैं और बात करते हैं। अभी आप लोग पहुंच गए होंगे, ये मेरे जेस्चर से पहुंच जाए आप, ये बात कहना गलत होगा मेरे ख्याल से, वो उन्होंने सॉरी कर लिया है, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट मोर। विल स्मिथ के बारे में हम बात कर रहे हैं। विल स्मिथ जो हैं वो अब जाकर उनकी गिनती जो है उन एक्टर्स में आ रही है जो कि हाईएस्ट पेड है, बहुत पैसे कमा रहे हैं माशाल्लाह। तो जब आप बहुत सारे पैसे कमाते हैं तो फिर आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने का दिल भी करता है। तो जब आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने का दिल करता है तो आप क्या करते हैं? गाड़ी लेते हैं, आप घर लेते हैं, आप महंगे जूते लेते हैं, लेकिन जो अक्लमंद लोग होते हैं वो महंगी घड़ी लेते हैं, क्योंकि घड़ी जो है दैट, फिर से कहूँगा, वो आपकी पर्सनैलिटी को इन्हांस कर देती है। तो विल स्मिथ के पास जब पैसे आए तो उन्होंने कहा कि कौन सी घड़ी खरीदूँ मैं, तो उनको किसी मेरे ख्याल समझदार इंसान ने कहा होगा कि आप ऑडेमार्स पिगे, एपी जिसको कहा जाता है, एपी ढिलन नहीं भाई, अरे यार एपी ढिलन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एपी वॉचेस ब्रांड है, वॉच का ब्रांड है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। एपी की रॉयल ओक 15500ST पहने हुए देखा गया था उन्हें, जिसका डायल सिल्वर टोन ग्रांडे टेपेसरी डायल कहलाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर छोटे 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 चेक्स बने हुए होते हैं, बॉक्सेस बने होते हैं, और वो थोड़े से हाईलाइटेड होते हैं उसके अंदर। आप देखें बहुत ही डिटेल में, ज़ाहिर है इतने पैसे ले रहे हैं यार, तो इतना डिटेल में। तो मैं आज की इस वीडियो को यहीं अख्ताम पजीर करता हूँ। आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जो लोग पैसे कमा रहे हैं वो लोग अच्छी घड़ियाँ पहन रहे हैं, और जो लोग पैसे नहीं कमा रहे वो लोग जो है वो भी अच्छी घड़ियाँ पहन रहे हैं, जैसे मैंने पहनी हुई है, ये देखें ल्यूमिनॉक्स पहनी हुई है मैंने, और ये बेयर ग्रिल के साथ इन्होंने एक कोलेबोरेशन किया था, नेवर गिव अप इस घड़ी का नाम है, नेवर गिव अप, क्योंकि ये बेयर ग्रिल के बारे में कौन नहीं जानता। हाँ, वो ज़रा मुश्किल आदमी, आप लोगों को पता है, या वो नहीं तो मैन वर्सेस वाइल्ड, जो अक्सर औकात बाहर निकल कर जंगल में निकल कर जो है वो घर का खाना छोड़ कर कभी पत्ते खा रहे हैं और कभी पता नहीं क्या क्या पी रहे हैं। लेट्स नॉट टॉक अबाउट, लेट्स नॉट गो फर्दर इनटू डिटेल्स, बट यू गाइस अपना ख्याल रखिए, मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएँ, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे ना वो आपको आपके दोस्त नहीं देंगे, और जब हम से ली हुई इन्फॉर्मेशन आप अपने दोस्तों को बताएंगे ना, तब वो आपको कहेंगे हाँ यार हमें नहीं पता था कि तुम्हें इतनी इन्फॉर्मेशन है। ऑलराइट, सी या बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।